खबर में एक बार फिर से कैद हुए हैं ईशा और समर्थ के कुछ इंटीमेट सीन्स। और इस बार हैरानी की बात यह है कि भाई कमरे में नहीं, अकेले में नहीं, बल्कि ये दोनों सरेआम सभी के सामने लिप लॉक करते नजर आए हैं। बिग बॉस के घर में अब तो ये आम सी बात हो गई है ईशा और समर्थ का कोजी होना। वेल, आपको बता दें कि वक्त है बिग बॉस की सजा सुनाने का। बिग बॉस ने सभी के कमरे छीन लिए और उस वक्त जब हर किसी को मोहल्ले के चौक में शिफ्ट किया जा रहा था, तो भाई हर कोई जहां अपने सामान को बचाने में लगा था, तो ईशा समर्थ यहां कुछ इस तरह से बिजी नजर आए। आप देख सकते हैं इस फोटो को, किस तरह समर्थ और ईशा रेड लाइट के अंधेरे में किस तरह से किस कर रहे हैं और उसके बाद उनका ये फोटो वायरल हो गया। वेल, आपको बता दें कि प्रोमो में ये सामने नहीं आया था, एपिसोड में भी इसकी छोटी सी झलक ही दिखाई दी थी, लेकिन फैंस की नजरों से ये चीजें कैसे बच सकती है। भाई फैंस जो है वो हर चीज पर काफी अपनी बारीकी नजर बनाए रखते हैं, और ऐसे में अगर ईशा समर्थ का किसिंग सीन हो बिग बॉस के घर में तो वो भला कोई कैसे छोड़ दे। अब इस पर फैंस के रिएक्शन भी भर भर कर आ रहे हैं। वेल, ये पहली बार तो है नहीं, ईशा और समर्थ के कुछ ऐसे स्ट्रीमी किसिंग सीन्स कितनी बार सामने आए हैं ये बताने की लिस्ट तो काफी लंबी है, चाहे कभी ब्लैंकेट के अंदर हो या फिर कभी पिलो के नीचे। तो वहीं कितनी बार समर्थ उनके नेक पर, उनके पेट पर किस करते नजर आए हैं, लेकिन इस बार तो भाई सभी के सामने मोहल्ले के चौक में सीधा लिप लॉक ही कर डाला। वेल, फोटो तो कुछ ऐसा ही कह रहा है जिसमें साफ देख सकते हैं आप कि लग रहा है ये दोनों लिप लॉक कर रहे हैं। वेल, समर्थ और ईशा के गेम की बात करें बिग बॉस के घर में, तो हाल ही में पता चला कि भाई इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों की काफी बुरी फाइट सामने आई थी जहां समर्थ को लोगों ने सही बताया था, लेकिन एक ही घर में आप रहो और रिलेशनशिप में अगर कोई है तो भला उसकी लड़ाई ज्यादा दिन तक कैसे चल सकती है। पैचअप तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये शायद फैंस ने भी नहीं सोचा था, और इस वजह से इन दोनों का पैचअप भी उतनी ही जल्दी हुआ जितनी जल्दी इन दोनों ने ब्रेकअप डिक्लेयर किया था। अब दोनों वापस से अपनी लड़ाइयां भूल कर रिलेशन में आ चुके हैं और इनके ऐसे ही कुछ क्लोज इंटीमेट सीन्स नजर आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस पर आपका क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट।